कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल अक्की की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इन्होंने खुद कहा है कि मैं इनका नाम अक्की मेंशन कर सकती हूँ, इसलिए मैं इनका नाम अक्की बोल रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यार बोलने में, इसलिए मैंने अभी तक 4 बार अक्की बोल दिया। चलिए पढ़ते हैं कि अक्की ने क्या लिखा। 5 बार अक्की बोल दिया। हाय मैम, आज मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा नाम अक्की ले सकते हैं। आई लव यू अक्की। 7 times अक्की बोल दिया क्योंकि बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू आपको और यूनिवर्स को और साई राम को भी। मैम, लास्ट ईयर अप्रैल से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि ब्रेकअप था और मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टूट चुकी थी। इसी बीच मैंने आपकी वीडियो देखी और यहां तक कि मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी इंस्टाग्राम पर किया, तो आपने मुझे पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह दिया। मैंने पढ़ाई के ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया और ये सोचा कि अब मुझे पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का ट्राई करती थी। बट मुझे आपकी वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिली। सेल्फ लव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल किया हुआ था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, बट था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही। तो मैंने खुद को कंट्रोल किया और सोचा कि मुझे जॉब के लिए अब टेक्निक करनी है, माइंड को शिफ्ट करना है। उसके लिए मैंने 3x3x3 टेक्निक की और लेट गो कर दिया। लेट गो बहुत ही आसानी से हो गया क्योंकि मेरा सारा ध्यान और टाइम तो अपने पार्टनर के ऊपर ही लगा हुआ था। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रही थी, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स भी मैं लिखती थी और हमेशा ही यूनिवर्स के साइन के लिए अवेयर रहती थी, ताकि मैं जैसे ही साइन देखूं मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल दूं। तो मुझे कुछ टाइम से बटरफ्लाइज दिख रही थी, कभी किसी स्टेटस में तो कभी यूट्यूब के वीडियोस में, और वो मुझे जैसे ही दिखती थी मैं सिर्फ थैंक यू बोल देती थी। फिर एक दिन थर्सडे को मैं सो रही थी, दोपहर में मुझे सपने में साईं बाबा की फोटो दिखी। मैम, मैं साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मैं उठी और मैंने थैंक यू बोला साईं को और मैं नॉर्मल हो गई। चलो देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर उसी दिन थर्सडे नाइट को मुझे पता लगा, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसे तो मैं भूल ही चुकी थी क्योंकि मेरा लेट गो हो चुका था और लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई ये न्यूज सुन करके। उसी टाइम मैंने साईं को दोबारा थैंक यू बोला और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोला और आपको भी थैंक यू बोला। ओ थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी लाइफ की इस सिचुएशन में मुझे जॉब मिलना, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। मैम, आज मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई है और मुझे जॉब करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। सॉरी मैम, ये सक्सेस स्टोरी मैं 1 हफ्ता लेट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। बट मैम, मुझे सचमुच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया है। मुझे खुद से प्यार करना आ गया है और खुद को पॉजिटिव रखना कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर लूंगी। लेट गो हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कहने को तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं जो निकल रहे हैं। न जाने कितना लंबा मैसेज हो जाएगा, बट मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शॉर्ट करके इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। थैंक यू सो मच। ओ सो क्यूट, आपने इतना ध्यान रखा इस बात का कि शॉर्ट करके। थैंक यू सो मच। हम बिल्कुल समझते हैं इमोशंस को यार, इमोशन ही तो सब कुछ है। वो है इसीलिए तकलीफ है, खुशी है, प्यार है, जो कुछ भी है यार, इमोशन से ही चीजें हो रही हैं। खैर, हम बहुत खुश हैं कि आपकी ये जॉब लग गई और ढेर सारी ब्लेसिंग्स, कंग्रेचुलेशंस कि आपकी ये जॉब लग गई। इस मैनिफेस्टेशन स्टोरी के अंदर अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे गहरी चीज देखेंगे वो ये कि फटाफट से लेट गो हो गया, मतलब ये अटके नहीं रहे। लेट गो का रीजन क्या था? क्योंकि दूसरी जगह अटके हुए थे। यहां इन्होंने बस मन लगा करके टेक्निक कर ली और माइंड को शिफ्ट करने के लिए टेक्निक कर ली कि चलो देखते हैं यार, वो भी कर लेते हैं, सेल्फ लव भी करना चाहिए। लेकिन लेट गो जितना फास्ट हुआ उतना फास्ट मैनिफेस्ट भी किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेट गो की ताकत को समझो, क्योंकि जब आप लेट गो करते हो ना, तब आप आ जाते हो रिसीविंग मोड पर और आपको
मिल जाती है जो भी चीज आपको चाहिए होती है। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।